खबरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। गुरुवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2022 का 24वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के धुरंधर आमने सामने होंगे। ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 के 24वें मैच में गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोनों के बीच ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2022 में पहली बार गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों ही टीमें अब तक अपने 4 में से 3 मुकाबले जीत चुकी हैं, लेकिन बेहतर नेट रन के चलते राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल पर पहले और गुजरात टाइटंस चौथे स्थान पर काबिज है। इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आना चाहेगी। हालांकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस टूर्नामेंट में जीत की सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रही है। दोनों टीमों के पिछले मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल के शिमरन हेटमायर की नाबाद 59 रन की आतिशी पारी और युजवेंद्र चहल की घातक गेंदबाजी ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को धूल चटा दी थी। इस मैच में राजस्थान रॉयल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 3 रन से हरा दिया। उधर लगातार 3 मैच जीत कर डेब्यू सीजन में शानदार शुरुआत करने वाली गुजरात टाइटंस को अपने चौथे मैच में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। सनराइज हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 162 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे हैदराबाद की टीम ने 20वें ओवर में हासिल कर लिया। फिलहाल अब गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल की टीम अपने अगले मुकाबले के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जहां गुजरात की टीम में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। वे राजस्थान रॉयल में भी संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज खिलाड़ी की भरमार है। अब देखना यह है कि इस मैच का दर्शक कितना लुफ्त उठाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।